हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोटी से पिज्जा बनाने की रेसिपी। अगर आपको भी पिज्जा पसंद है तो आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ये हमने ले रखी है रोटी, ये टमाटो सॉस, ये है ऑनियन, ये है चीज़ की दो टिक्की, ये हमने लिया है मेयोनीज, ये है हरी मिर्च, ये है दोस्तों काला नमक, ये है नमक, ये है दोस्तों टमाटर, ये दोस्तों शिमला मिर्च, ये दोस्तों पत्ता गोभी। इसके बाद दोस्तों हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लेंगे और उसमें हम तेल डालकर रोटी को तलने के लिए डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी को इसमें डाल दिया है। और अगर आपकी भी रोटी फूल रही है दोस्तों, तो इसमें हमें बीच में छेद कर लेना है, जिससे यह फूलना बंद हो जाएगी और आपकी रोटी भी एकदम प्लेन रहेगी। देख सकते हैं कि रोटी बीच से टूट चुकी है, उसमें छेद हो चुका है हल्का सा। तो आपकी भी अगर रोटी फूलती है तो हमें इस स्टेप को फॉलो जरूर करनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी अच्छी तरह से तल चुकी है और यह फूली भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, जैसी रोटी हमें चाहिए थी। तो दोस्तों, इस तरीके से रोटी को हमें तल लेना है और उसके बाद हम करेंगे इसमें आगे की प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों हम रोटी को एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें मैं मेयोनीज को लगा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, हमें सारी रोटी पर मेयोनीज को अच्छे तरीके से लगा लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी रोटी पर मेयोनीज को लगा लिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम सॉस को अच्छी तरीके से मेयोनीज के ऊपर लगा लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी रोटी के बेस के ऊपर सॉस को भी अच्छे तरीके से लगा लिया है और इसे हम अच्छे तरीके से मिला देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आए। उसके बाद दोस्तों इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। कटी हुई हरी मिर्च ऐड करने के बाद दोस्तों हम इसमें पत्ता गोभी को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बारीक कटी हुई पत्ता गोभी को इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया है। उसके बाद जो हमने कटे हुए टमाटर रखे थे दोस्तों, हम उनको ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़े से टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम चीज़ की टिक्की को इस पर बारीक किस देंगे। आप देख सकते हैं कि चीज़ को मैंने बारीक करके इसके ऊपर डाल दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ पिज़्ज़ा के ऊपर डल चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जो काला नमक ले रखा था उसे हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों नमक ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारे टमाटर्स बचे हुए थे, हम सारे टमाटर को ऐड करेंगे। टमाटर के ऐड होने के बाद हमने ऑनियन ले रखी थी, हम उसे ऐड करेंगे। हमने सारी ऑनियन इसमें ऐड कर दी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसमें बची हुई शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। हमने इसमें सारी शिमला मिर्च ऐड कर दी है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम बची हुई पत्ता गोभी को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। ये देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी इसमें पूरी तरीके से ऐड हो चुकी है।
और उसके बाद जो एक हमारी चीज़ की टिक्की बची हुई थी उसको भी हम इसमें अच्छे से बारीक किस कर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी चीज़ भी हमारे बेस पर दोबारा से डल चुकी है। फाइनल स्टेप में दोस्तों हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें हम इस प्रकार से नमक का एक बेस बिछा देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने नमक का एक बेस बिछा दिया है और इसमें हम अच्छे तरीके से नमक ऐड करके उसका बेस बिछा देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसमें दोबारा नमक ऐड कर दिया और ये बेस हमारा अच्छे तरीके से बिछ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम एक कटोरी टाइप की या ढक्कन किसी भी चीज़ का हम इसमें रख देंगे और उसके बाद जो हमने पिज्जा का बेस बनाया हुआ था उस प्लेट को हम इस पर रख देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम में कर हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। दोस्तों 15 से 20 मिनट होने के बाद दोस्तों हम पिज़्ज़ा को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा बनकर हो चुका है तैयार और यह बहुत ही शानदार लुक दे रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा लुक दे रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा बनता है रोटी का। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।